भाई जब हम आ चुके हैं अंसल प्लाजा मॉल, आज हम आपको इसके बारे में बताने वाले हैं कि इस मॉल का किस तरीके से डाउनफॉल हुआ। बहुत ही बड़ा बढ़िया मॉल था ये ग्रेटर नोएडा के परी चौक पर। यह है इसकी एंट्रेंस, बाकी तो मॉल अंदर से ही खाली खाली है, सारा इसी फ्लोर पे है जो भी कुछ थोड़ा बहुत शॉप्स वगैरह हैं। बहुत वीराना हो चुका है गाइस ये मॉल। हेलो गाइस, वेलकम करता हूं आपको अपने नए व्लॉग में। तो आज हम आ चुके हैं ग्रेटर नोएडा के एक फेमस मॉल में, अंसल प्लाजा, जो कि परी चौक के बिल्कुल पास में है। ये मॉल आज से काफ़ी टाइम पहले बहुत अच्छा चलता था, बहुत सारे ब्रांड्स थे इसमें, बहुत सारी शॉप्स थी, लेकिन अब इसमें अभी बहुत मतलब काफ़ी टाइम से मतलब बंद है, मतलब काफ़ी टाइम के यार बहुत सारी दुकान जो होगी इसमें बंद हो गई है। हाँ मतलब खाली हो चुका है गाइस, इसमें बहुत सारे ब्रांड्स थे इंडिया के बाहर के भी और इंडिया के भी, अब यहाँ पे कुछ नहीं है जैसा कि आप देख भी सकते हो। इसमें मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा, देखो गाइस तो सारी दुकानें सब कुछ खाली पड़ा हुआ है, और यहाँ पर क्लब वगैरह भी थे जो कि बिल्कुल अब ताले लग चुके हैं जिन पर। गाइस देखो ये एक साइड है मॉल का, ये बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है गाइस, सुनसान है बिल्कुल, आवाज भी गूंज रही है यहाँ पर, सारी शॉप्स बंद है, पेपर लगे हुए हैं सब में। ये भी था कोई क्लब वाला थे, ये क्लब वगैरह थे, ये सब बंद है। ये देखिए यहाँ पर हमारी आवाज कुछ डबल डबल आ रही है, मुझे तो कुछ अजीब से फील हो रहा है। ये देखिए लोगों के बर्तन वगैरह सब अंदर ही है, कुछ नहीं है गाइस यहाँ पे, तराजू तक भी ऐसे रखे हुए हैं, तोला नहीं है इन पे बहुत दिन से सामान गाइस। इस पे मतलब ऐसा हो गया था इसमें सब्जी बिकने लगी लास्ट टाइम में, बंद हो चुके हैं, खराब पड़े हैं क्योंकि का कोई यूज ही नहीं करता, इन्हें चलता ही नहीं कोई, इन पे गंदगी है, सफाई वफाई कुछ है नहीं, धूल मिट्टी हो गई उधर, धूल मिट्टी हो चुकी है, देख ही सकते हो बिल्कुल सब खाली है, कुछ नहीं है। ये भी खराब है, खाली पड़ा है बिल्कुल। ये देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी बिल्कुल डैमेज हो चुका है आधे से ज़्यादा इसका, काफ़ी कुछ नहीं खुला हुआ है गाइस, एक जिस कॉरिडोर में नज़र मारो वो सब खाली। अब हम आ चुके हैं इसके फोर्थ फ्लोर पर, जहाँ पर ये रेस्टोरेंट था पिंड बलूची कभी हुआ करता था, अब ये बिल्कुल खाली पड़ा है, देख सकते हो जैसे कि क्या हाल हुआ हुआ है इस रेस्टोरेंट का। ये अंकल जी पहले, ये जो अंकल जी थे पहले बाहर बैठा करते थे, पर ये अंकल जी काफ़ी टाइम से अंदर ही हैं, लाठी वाठी सब इनके पास ही है। अंकल जी क्या हुआ? बोल रहे कुछ नहीं बेटा, मैं भी बहुत दिन से परेशान हूँ। बढ़िया चलने वाले इस पिंड बलूची रेस्टोरेंट में, आज ताला लग चुका है, सब जगह वही हाल है, कुछ नहीं है, बिल्कुल खाली पड़ा है, फर्नीचर तक यहीं पर ही है। बाबा को तो जैसे दिखाई दिया है मैंने इनको, ये बहुत दिन से अंदर बैठे हैं, कभी ये कुछ टाइम ऐसा करता था कि यहाँ पर बैठा करते थे बाहर। तो गाइस जैसे देख सकते हो आप, ये नाइट चस्का एक टाइम पे मतलब ग्रेटर नोएडा का जाना मानता है, लोग पार्टी करने के लिए आते थे इसमें, नाइट चस्का है ये, रेस्टो है, डिस्को बार है, मतलब सब चीज इसमें इन्वॉल्व था, अच्छी खासी लोग पार्टी कर लेते थे। आज के टाइम ये देख लो बंद है, बिल्कुल बंद है, और ये देखो बस एक पीवी आ रहा है सामने ऊपर, जो लोग मूवी देखने के लिए आते हैं, नहीं तो इसमें लगभग चीज़ें बंद हो चुकी है, लगभग चीज़ें बंद, 95% बंद हो चुका है ये मॉल, डाउन हो चुका है, बिल्कुल खाली पड़ा है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है, लोग बाग भी नहीं आते, संडे वगैरह में एक आध दो दो चार आदमी आ जाते हैं, वैसे खाली है। तो भाई जैसे कि आप देख सकते हो ये टॉप फ्लोर पे एक फूड कोर्ट है, जिसका देखो किस तरीके से क्या हाल हुआ हुआ है इसका, सब कुछ बिखरा हुआ है इसके अंदर, कोई नहीं है, कुछ नहीं, खाली पड़ा हुआ है बिल्कुल, देख सकते हो जैसे कि। इसका नाम है F7 Days फूड कोर्ट, पड़ा हुआ है फूड कोर्ट, जो सोचते हैं कि मॉल में बढ़िया फूड कोर्ट होगा कुछ होगा, ये पूरा मॉल ही खाली है, फूड कोर्ट तो कुछ नहीं, बिल्कुल बेकार सब। ये वाइट बैंड लग चुका है वर्क इन प्रोग्रेस का, डेंजर का, क्योंकि ये ख़राब है, चलता ही नहीं है, तो वाइट बैंड ही लगने हैं यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए गंदगी करके जा रहे हैं लोग, कोई मेंटेनेंस नहीं, कुछ नहीं, मेंटेनेंस जीरो हो चुका है इस मॉल का, मेंटेनेंस करके करेंगे भी क्या वो लोग जब दुकानें ही बंद है सारी, तो सारी बंद हो गई, कोई आता ही नहीं है इस मॉल में, खाली पड़ा हुआ है। लेडीज पार्लर तो देखो, लेडीज सैलून ये भी बंद हो गए, लोग सब जा रहे, बताओ इनके मुंह पे, जैसे कि देख सकते हो बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ है, यहाँ पर जाने में तो थोड़ा सा वैसा भी लग रहा है। ये देखो गाइस टाइल्स तक हट चुकी है मॉल की, ऐसा कभी देखा है मॉल में इस तरीके का वो होना। और चलते हैं अंदर की तरफ, देख के आते हैं वॉशरूम्स की क्या हाल है इसमें। भाई यहाँ तो कुछ अजीब सा ही लग रहा है, तो
भाई कुछ था यार उसके अंदर। सही, आप देख सकते हो, पता लगा सकते हो कि मॉल की क्या हालत हो चुकी है। सारे पोस्टर वगैरह सब फटे हुए हैं, बस यहाँ पर दो चार गाड़ी खड़ी रहती हैं और ये बाकी स्विगी जोमेटो वालों का रहता है खाने वाने का। बाकी देखो मॉल तो काफ़ी बड़ा है, सामने उसके परीचौक मेट्रो स्टेशन भी है, काफ़ी क्राउडेड जगह है, लेकिन फिर भी इसकी सारी दुकानें खाली है। मॉल बिल्कुल वीरान, ऊपर बिल्कुल खाली पड़ा है ना ऊपर। हाँ दो चार दिन पहले और भी किसी, मतलब दो चार दिन नहीं महीना भर हो गया और भी किसी ने बताई, पहले एक लड़का और हमारे गैर को उसने बताई भाई ऐसे ऐसे। कंप्लेंट तो वैसे आप ही बता रहे हो, कोई बात नहीं, देखेंगे चेक करवाएंगे क्या हो सकता है। मॉल भी बहुत ज्यादा डाउन चल रहा है ना, ये तो डाउन ही चल रहा है, आत्माएं बस रही है इसमें, आत्माएं बस रही है, खाली पड़ा है बिल्कुल। ऊपर तो सब खाली है ना, दो फ्लोर ही चल रहे खाली, दो फ्लोर भी कहाँ, एक ही फ्लोर मानो उन्हें दो को जोड़ जाड़ के, आना जाना बस पीवीआर तक ही होता है बस, और पीवीआर नीचे भी सब डाउन। चलो ठीक है, तो गाइस जैसे कि देख सकते हो ये है परी चौक, ये मॉल से वॉक इन डिस्टेंस पर है, जैसे ज्यादा से ज्यादा 100 मीटर दूर है मॉल से। यहाँ पर देखो कितना क्राउडेड एरिया है, लेकिन फिर भी मॉल में, इस मॉल में कोई जाना पसंद नहीं करता है। और जैसे कि आपने सुना ही कि गार्ड ये कह रहा है कि यहाँ पे आत्माएं बसती हैं, और हमने भी कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत महसूस कर ही लिया। अब जो भी था हमारा वहम था, जो भी था, डराती हैं यहाँ पे। तो ये अंसल प्लाजा मॉल है हमारे ग्रेटर नोएडा का, हमने इसका आपको टूर करवाया किस तरीके से, कि खाली हो चुका है मॉल बिल्कुल, एक टाइम पे बहुत पीक पे था और अब बिल्कुल डाउनफॉल चल रहा है इसका गाइज। तो इसी तरीके से वीडियो को प्यार देते रहें, वीडियो में बने रहें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें गाइज। तब तक के लिए जय हिंद।